नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक, तो बिना देरी किए दोस्तों चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ, अपने सवालों की तरफ। दोस्तों जैसा कि हम लोग पता है 0 156 का लो, 0 156 का लो हमें पता है दोस्तों कि अगर कोई भी संख्या दी गई है, किसी संख्या के अगर इकाई अंक पे 0 आए, 1 आए, 5 आए या फिर 6 आए, अगर इनकी पावर कोई नेचुरल नंबर आप लगा देते हैं, इनके अगर इकाई अंक पे अगर ये नंबर आते हैं 0 1 5 6, तो अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर के पावर में लगा देते हैं तो इनका जवाब दोस्तों वही बना रहता है जो ये होते हैं। यानी अगर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा दोस्तों। और यदि दोस्तों 4 और 9 की बात करें, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 4 हो या फिर 9 हो और इनकी पावर कोई नेचुरल नंबर n हो, कोई नेचुरल नंबर n हो, और n यदि दोस्तों सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो इकाई के स्थान पे आएगा दोस्तों 6, और यदि n विषम संख्या हो, तो यह आएगा दोस्तों, यह दोस्तों खुद वही नंबर बना रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यदि 9 की बात करें दोस्तों, तो यदि 9 अगर यूनिट डिजिट पे है और इसके पावर n है, और n यदि सम संख्या है दोस्तों, तो इकाई अंक पे आएगा 1, और यदि n एक विषम संख्या है, तो दोस्तों आएगा, आपको खुद वही नंबर बना रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो आपने देखा कि 0 156 हो या फिर 4 और 9 हो, इनकी सिचुएशन में इकाई अंक क्या बने रहते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें आगे इसके, तो आगे दोस्तों अब बच जाती है संख्या हमारी 2 3 7 8, 2 3 7 8, ये अंक बच जाते हैं हमारे। अगर दोस्तों ये इकाई अंक पे किसी संख्या में अगर ये इकाई अंक पे आते हैं, दोस्तों इनकी पावर अगर दिया गया है यन, यदि ऐसा दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं, दोस्तों कि इस यन को डिवाइड करते हैं दोस्तों 4 से, तो हमें पता है कि अगर 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारे पास जो शेषफल आएगा, दोस्तों या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, दोस्तों इसमें से जो भी शेषफल आता है उस शेषफल को जो भी डिजिट यूनिट डिजिट पर दी रहेगी उसकी पावर लगा देते हैं। तो दोस्तों अगर 4 दिया, अगर 0 आया है दोस्तों, तो 0 के स्थान पे, 0 के स्थान पे दोस्तों हम 4 लगाते हैं, यानी यूनिट जो डिजिट है, यानी इकाई का जो अंक है दोस्तों, इस इकाई के अंक पे अगर 0 शेषफल आता तो 4 लगाते हैं, यदि वन आता है दोस्तों तो वन लगाते हैं, यदि दोस्तों 2 आता है, अगर 2 आता है तो यूनिट डिजिट पे इकाई अंक पे जो है उस पे 2 लगाते हैं, यदि यूनिट डिजिट अगर 3 है तो उसके पावर 3 लगाते हैं। अगर शेषफल ऐसा आता है तो एग्जांपल करते हैं, कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे मान लीजिए पहली बात अगर करें, पहला सवाल कि 2 3 7 8, यदि ऐसा दिया गया है, इसकी पावर दोस्तों दिया गया है 35, तो इसको दोस्तों डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो दोस्तों शेषफल आएगा इसका, जो शेषफल आएगा दोस्तों 4 बटे 32। अब 32 दोस्तों 3 जोड़ेंगे 35, यानी आया रिमाइंडर 3, तो हम लोग दोस्तों 8 की पावर लगा देंगे 3, 8 की पावर कितना लगा देंगे दोस्तों 3, तो दोस्तों 8 बटे 64, और 64 गुणे 8, 8 चौके 32, यानी इकाई स्थान पे आएगा 2। अगर दोस्तों हम लोग दूसरे सवाल की बात करें, अगर दूसरा सवाल कोई दिया गया है 2 3 5 7, अगर ऐसा दिया गया है और इसके पावर दिया गया है दोस्तों मान लीजिए 33, कितना दिया गया दोस्तों 33, तो 4 बटे 32, यानी 4 से भाग लगाएंगे, 4 बटे 32 शेषफल बचेगा दोस्तों 1, और इस 1 को लगा देंगे यूनिट डिजिट पे, 7 आएगा जवाब 7। इसी तरह से दोस्तों अगर एक सवाल और करने की कोशिश करें हम, अगर दोस्तों दिया गया 2 3 5 2 की
पावर 24, कितना दिया गया दोस्तों 24। अगर इसको डिवाइड करना चाहे दोस्तों तो पूरी पूरी चार से क्या करेगा भाग लग जाएगी और शेषफल आएगा जीरो। शेषफल आएगा कितना दोस्तों जीरो। अगर शेषफल जीरो आता है तो हमने अभी कहा अगर शेषफल जीरो आता है तो यूनिट डिजिट क्या लगाना है दोस्तों फोर लगाना है। क्या लगाना है फोर लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों दो की पावर चार लगाएंगे और इसका दबाव आएगा दोस्तों 16 और यूनिट डिजिट बनेगी 6। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से यूनिट डिजिट हम लोग निकालते हैं, कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ नए सवालों के साथ आएंगे और कुछ और इकाई के स्थान पे जो अंक आते हैं कैसे हम यूनिट डिजिट और आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंच सके तो बेल आइकन दबाना न भूलें दोस्तों। अगली वीडियो तक बहुत बहुत धन्यवाद।